बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम में आप लोग क्या थे, किस पक्ष से थे? जी, हम लोग किसी पक्ष से नहीं थे, और हम लोग जो है कि हमारे हम घर में थे, मोहित जो है, मोहित कुशवाहा हमको फ़ोन किया। हमको जब फ़ोन किया तो हमारे लड़के बच्चे तक ही फ़ोन किया। हम लोग जो कि बोले तो वो बोला कि ददनु कुशवाहा के लड़के दो भर्ती हैं। तो बोले कैसे भर्ती हैं? बोले निगाही मोड़ मार हुआ है। तो वहाँ लोग पुलिस लेकर इन लोगों की मेडिकल कराने गई थी, और मेडिकल कराने गई थी हमारे लड़के लोग। एक लड़का हमारा रामचंद्र कुशवाहा पहले पहुँच के देखने गया था, पीछे से हम गए, और करीब तीन बज रहा था। इसके बाद 3 बजे के बाद, साढ़े चार बजे के बाद हमारा एक महेंद्र लड़का है, महेंद्र कुशवाहा, वो गया। हम लोग ये नहीं समझ पाए उसका झगड़ा जो हुआ है ठाकुर परिवार से, तो जो एक बार हो गया है निगही मोड़ में हो गया, तो मतलब कि ये लोग दोबारा जब पुलिस ले आके मेडिकल करवा रही है वहाँ पर, तो ये लोग इकट्ठा होकर प्लानिंग करेंगे। कौन प्लानिंग कर रहा है? प्लानिंग करने वाला था एक वो क्या नाम से ए महाजन का बाबू साहब हैं, पप्लू सिंह कन्नी सेना वाले, एक तो पप्लू सिंह थे, और एक था वो क्या नाम से कि दिग्विजय सिंह था वो था, और घरौली का नहीं तीन चार पांच लड़के थे, बेल्ट से अलग वो दुकान से जो है कहीं रोड पर दुकान लोग पा गए थे, तो कुल्हाड़ी का बेल्ट सब खरीद के बोलरो में वो लोड कर लिए थे। हम लोग अगर 5 मिनट नहीं भागे होते सामने से, तो गाड़ी ऐसा दौड़ाए थे हम, मतलब कि हमको क्या, हमका पुरानी दुश्मनी, हम लोगों के पास थोड़ी है कि कोई पुरानी दुश्मनी है। अगर वो कहीं वो मतलब कोई आदमी बताया था कि आदमी जा रहा है, इनको आप लोग पहचान करवा दिया था, और जैसे हम लोग गए वहाँ पर, ये लोग भीड़ गए एकदम, न कोई बात हुआ, न कोई चीत हुआ, कुछ नहीं कि मारे सालों के मारे ही कुशवाहा लोग हैं, ही कुशवाहा लोग मारे मारे से मारने लगे हम लोगों की, हम लोग भागने लगे अंदर। कितने की संख्या में ठाकुर परिवार? कम से कम 40 आदमी थे, 40 से 50 आदमी थे। घोरौली छोटकी घोरौली थे, बड़की घोरौली थे, पूरे महाजन के ये महाजन मोड़ का महाजन कुश सब थे ठाकुर, इतने लोग इकट्ठा हुए थे टोटल। हम लोग भागे, कुछ लोग हमारे कुशवाहा बाद में जुटे लोग, बगैर ये लोग क्या किए थे, पुलिस बढ़न थाना के पुलिस वालों को ये लोग फ़ोन करके पहले से ये लोग तैयारी बनाए थे कि इनको मारना है, गिर के जैसे मरना हो मरना होगा। अब ये लोग क्या किए कि हमको हमारे लड़कियों का चाहता है, वो हमको जो है विवाद में हर वक्त अपने नज़र में लिया रहता है कि इसको कहाँ पाए, कैसे हम इसको जो है कि फंसाए, किस प्रकार इसको जेल में भेजे, कौन धारा लगवाए। बोला ऊपर से नीचे तक मेरा पहुँच है, और कोई तुमको जो छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जब भी आओगे तो मेरे पास आओगे, और नीचे से ऊपर तक हमारा जो है कि कहीं सुनवाई नहीं होता है उसके, इतना जो है कि पावर सत्ता में। अब उसकी सत्ता नहीं है, अभी उसका सत्ता नहीं है, फिर भी पूरा पावर जमाता है हर जगह। पुलिस उसके मतलब कोई बात नहीं सुनता, जब भी सुनती है तो उसी सुनती है, पुलिस उसी की सुनती है, चाहे नवान का पुलिस हो चाहे बढ़न का पुलिस हो, उसी का बात सुनती है। अब जो कहता है तो रिपोर्ट लिखाता है, नहीं कहता है तो रिपोर्ट नहीं लिखाता। आप लोगों ने जो पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत की है, तो उसमें किनका नाम दिया है, क्या उन नामों को आप स्पष्ट करेंगे, किन पर आप कार्रवाई चाह रहे हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो पप्लू सिंह है महाजन का, पप्लू सिंह महाजन का हैं, और दिग्विजय सिंह करनी सेना का अध्यक्ष है, 4-5 लड़के जो हैं कि यहाँ के हैं घोरौली का, उनका नाम उनको पहचानते हैं, नाम से नहीं पहचान से, एक लड़का है यहीं पर, वो पहचानता है। का नाम है जी घोरौली वाले का? कमल सिंह, नीरज सिंह, संजय सिंह। ये लोग अब मारने के लिए तो मान लीजिए कम से कम वो बाकी जितने ठाकुर लोग थे पीछे से, हम लोग अगर भागने का प्रयास करते थे तो वो लोग सब पूरा एक तरफ से पूरा पकड़ गिर रहे थे, पूरा ऐसे करके गिर रहे थे कि कोई आदमी भागने ना पाए। और आदमी ललकार रहा था, रजू सिंह ललकार रहा था, कभी भी हमारे बच्चों को हमको खतरा है उस परिवार से। किससे खतरा है? चंदेल परिवार से हमको खतरा है। आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत करी है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई।